But I guess the most important thing being an actor in today's time is you've got to be patient, you've got to keep your head on your shoulders and just not lose your, you know, the, what is the line? The dot. Life in a dot. So life in a dot for me is that focus point. And many koshish ki ki wo focus point na chhod paun main. And two films which are about to release in another 6 months are called Carry On Kutton and Baake Ki Crazy Barat. And these are the two upcoming movies I have lined up. So thank you so much. I love the title Carry On Kutton. Thank you. Carry On Actors. God bless. गुड इवनिंग, मेरा नाम चंदन रॉय सान्याल है और मैं दिल्ली के करोड़बाग से हूँ. मैं वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर मैं बम्बई आ गया. यहाँ पे मैं एक जूनियर कॉलेज में पढ़ाता था मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ताकि पेट की आग बुझा सकूँ. फिर मैं काफ़ी साल रंगमंच से जुड़ा रहा और इनफैक्ट शारवी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. जब मैं रंगमंच करता था, नाटक करता था, तो शारवी के साथ मैंने काफ़ी नाटकों में काम किया है. और उसके बाद मेरा फिल्मी जीवन शुरू हुआ, तो मेरी पहली फिल्म थी कमीने विशाल भारद्वाज साहब के साथ. और फिर मैंने हाल फिलहाल निखिल अडवाणी साहब की डी डे की सुभाष जी के साथ कांची, उसमें उन्होंने मुझे पहली बार बम्बई में किसी निर्देशक ने मुझे नायक का रोल दिया, तो सुभाष जी थे. फिर मेरी एक फिल्म थी प्राग और हाल फिलहाल मैंने कुछ फिल्में की हैं, उसमें एक है दागिस्तान एक्सल एंटरटेनमेंट की जो अप्रैल में रिलीज़ होगी. और पहली बार ज़िंदगी में विलेन बनने जा रहा हूँ संजय गुप्ता की जज्बा में. और यहाँ पे शारवी बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूँ कि सबका करियर फले फूले और सब बहुत अच्छा काम करें. थैंक यू सो मच. आपकी कहानी में मुझे एक टाइटल बड़ा अच्छा लगा, इनकी नेक्स्ट पिक्चर का टाइटल होना चाहिए पेट की आग. थैंक यू. मेरा नाम है इनामुल हक और मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ. उसके बाद कुछ समय दिल्ली में रहा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली, फिर मुंबई आया कि डिग्री मिल जाती है लगता है बस सब हो गया सब कुछ. तो 2007 में एक्टर बनने मुंबई में आया था, लेकिन एक महीने में तारे नज़र आ गए. तो फिर मैंने अपना सेकंड बेस्ट ढूंढने की कोशिश की कि मेरे अंदर दूसरी चीज़ क्या है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, वो थी राइटिंग. तो पिछले 8 साल से मैं ऐसे राइटर ही काम कर रहा था. फिर कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला, पहली फिराक थी और अभी रिसेंटली फिल्मिस्तान, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. और मैं अपनी खुशकिस्मती मानता हूँ कि मैं उतनी अच्छी फिल्म का हिस्सा बना और मुझे उसमें काम करने का मौका मिला. इस प्लेटफॉर्म से भी मैं नितिन कक्कर को थैंक यू बोलना चाहूँगा. और शारवी के लिए मैं थैंक यू से ज़्यादा आई वुड लाइक टू सैल्यूट हर फॉर हर करेजियस डिसीजन. क्योंकि व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड कैलेंडर, तो मेरे दिमाग में भी और इन जनरल एक इमेज आती है, अरे वाह बिकनी गर्ल्स मॉडल्स ये सब होगी. बट पहली बार एक ऐसी जोन में कैलेंडर बनाना जिसमें एटलीस्ट अगर मैं बाकी सब तो डेफिनेटली माशाल्लाह ग्लैमरस, मैं अपने आप को बहुत नॉन ग्लैमरस मानता हूँ, तो मेरे लिए अचानक ही एक अलग जोन में कि अरे कैलेंडर पे, तो एक अलग ही दुनिया मेरे लिए. तो मैं उसके इस डिसीजन को सीरियसली बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसको ऑल द बेस्ट फॉर हर करियर लाइफ में जो भी करें. और जितने भी एक्टर्स ये लोग करें सबको मेरी शुभकामनाएं, सब लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा करें. थैंक यू वेरी मच. इनकी बातों से एक टाइटल आता है तारे नजर आ गए. आई माय नेम इज जितिन गुलाटी. आई एम बेसिकली अ नेवी किड. सो आई वाज बोर्न इन दिल्ली बट माय फादर वाज इन नेवी. सो आई बीन ऑल अराउंड इंडिया, वाज इन बॉम्बे फॉर सम टाइम बट बेसिकली फ्रॉम नॉर्थ. मैं इस दुनिया से बहुत दूर था. आई वाज एक्चुअली अ बैंकर, आई वाज अ कॉर्पोरेट बैंकर विद अ फॉरेन बैंक, बट ऑलवेज न्यू दैट दिस इज वेयर आई बिलोंग. So I quit after working for close to 7.5 years and I started my journey. I was training to be an actor but I was still far away from this world. Bombay aaya job ke saath hi aaya tha and I became a model. Last 5 saal se modeling kar raha hu aur maine debut kiya apni pehli film Gurmeet Singh director yahi pe hamare Warning 3D which came out last year. Wo meri pehli film thi aur uske baad ab bas kaam ka intezar hai. I'm not signed anything as yet. I am a regular model. I am doing a lot of other things as well, but I'm waiting for the next opportunity to come by and make my mark. I would like to thank Shalvi
for giving us this opportunity, to especially to someone as new and as young as me, to share stage with Subhash ji here and a lot of people who are working regularly. This is a rare opportunity. As much as it's for new people, it's a great feeling for all of us to be sharing the same space as them. Thank you so much. All the best, all the best. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित सूरी है. मैं ऋषिकेश से हूँ, जो उत्तराखंड में. कभी बॉम्बे आने का सर कभी सोचा नहीं था, और क्योंकि ऋषिकेश मतलब मेरे लिए तो हमारे लिए ऐसा ऋषि बॉम्बे की जैसे कोई फॉरेन कंट्री है, कि दिल्ली तक ठीक है लेकिन बॉम्बे तो कि कोई दूसरा ही देश है. तो पापा का बुक स्टोर है ऋषिकेश में, वहाँ पर किताबें पढ़ने का शौक था. हमारे लिए आज तक दूसरा देश है. तो पापा का बुक स्टोर है ऋषिकेश में, तो मैं वहाँ फिल्में किताबें बड़ी पढ़ता था. तो वहीं एक कहीं ना कहीं वो कीड़ा था कि ये लोग कैसे दिखते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, इंडस्ट्री के ये इन सब का हिस्सा बनना है. ये नहीं था कि एक्टिंग करनी है या डायरेक्शन करना है, प्रोडक्शन करना है. बस ये था कि इन सब के बीच में घुसना है और इनके बीच में रहना है. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बॉम्बे ले आई और एक्टिंग करना शुरू किया. तो ऑब्वियसली कुछ काम नहीं मिला, मैंने थिएटर नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ पता ही नहीं था. तो फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्शन ज्वाइन किया, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया. उसमें एड फिल्म्स करी और करते करते सीखा और फिर मैं एक्टर बना. तो पहला ब्रेक जैसा कि जितिन का भी था, तो मेरा भी वही था कि वार्निंग थी गुरमीत से पहला ब्रेक दिया. उन्होंने कईयों का दिया, उसमें हम कुछ 5 न्यू कमर्स थे. तो वो मेरी पहली फिल्म थी. दूसरी व्हाट द फिश, दोबारा मौका दिया. और तीसरी बबलू हैप्पी है, जो इस साल रिलीज हुई थी. और अभी बाकी लड़ाई चल रही है सर, काम कर रहे हैं. और एंड सर, आई वुड लाइक टू, इट्स एन ऑनर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू. तो अभी लग रहा है शायद कुछ कर लिया, तो थैंक्स टू शार्पी. और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तो मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता कभी भी, तो चल रही थी शार्पी चार्पी शार्पी. तो बड़ा मज़ा आया. मैं शी इज़ अ फ्रेंड और एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. तो बड़ी डांटती भी थी फोटोज खींचते हुए, मजाक करो तो कि नहीं ऐसे मत करो वैसे मत करो, बट मजा आया. थैंक यू सर. इनको ये पता नहीं था कि बॉम्बे में लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं. और इनको ये भी नहीं पता था कि एक दिन इनको माइक खड़ा कर दिया जाएगा और सामने सब शराब की बोतलें होंगी और वहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा इनको. थैंक यू वेरी मच. ब्रिलियंट ब्रिलियंट टैलेंट. विश यू ऑल द बेस्ट. और हम आपको कल देखना चाहते हैं एक गैलेक्सी ऑफ स्टार्स में, स्क्रीन अवार्ड में, फिल्म फेयर अवार्ड में और उन मैगजीन्स में जो 200 करोड़ 300 करोड़ लिखते हैं. गुड लक टू यू एंड डू नॉट फॉरगेट शार्वी. इट्स नॉट अ चार्वी, इट्स शार्वी चतुर्वेदी. गॉड ब्लेस. थैंक यू ऑल. एंजॉय योरसेल्फ. नाउ ऑल ऑफ यू डिजर्व वन ड्रिंक. प्लीज गेट ड्रंक एंड गो बैक. थैंक यू. सब लोग आओ इधर फोटो खींच. या आई लव यू दिस साइड प्लीज. या दिस साइड प्लीज. सो ऑल ऑफ यू हियर. अरे बोला यार. और ब्रेक. थैंक यू. मोबाइल मोबाइल से लेना. मेरे भी. मयूर मोबाइल प्लीज. ये लोग तो भाग गए. मैं सर थोड़ा नजदीक आ जाओ. थैंक यू. या बताओ फिर दिस साइड प्लीज. या मैम मैम हियर. थैंक यू सर. थैंक यू.